हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये रहा हमारा घर पीछे, और ये देखिए हमारे घर के पास का व्यू, और ये काउ शेड है। एक भाई मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आपकी काउ शेड कितनी तैयार हुई। तो भैया जी, 1 साल होने वाला है। ठंड के दिनों में हमने पशुओं को बांधना शुरू कर दिया था काउ शेड में, और ये देखिए पुराने काउ शेड के बहुत बुरे हाल हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी से हमने ये काउ शेड तैयार की और पशु भी बांध दिए थे पिछले साल ही। तो वीडियो मैं नहीं बना पाती क्योंकि बस ऐसे ही रह जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता। तो अभी जा रही हूँ मैं बच्चों के स्कूल में, प्रिंस और कल्पना उनके स्कूल में पोषण माह मनाया जाएगा आज। तो गांव से और महिलाएं भी जाएंगी और मैं यहाँ से अकेली जा रही हूँ। तो अभी दिन के 2 बज गए हैं, और साथ में ले जा रही हूँ बराटी और रस्सी भी। आते आते घास भी ले आऊँगी, इसको छोड़ दूँगी घास नहीं मैं। तो एक दीदी जी मेरे से कमेंट कर रहे थे कि आप अपने घर के चारों ओर का व्यू भी दिखाओ। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको व्यू भी दिखा देती हूँ क्योंकि अभी फ्री हूँ। और ये देखिए, आकाश में बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, और जो ये पहाड़ी है ऊपर, इससे परे वाली साइड को है प्रिंस और कल्पना का स्कूल। तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं, और ये लगी है ये लोकल घिया, ये देखिए छोटी छोटी है अभी इस तरह की, और ये मक्की है। तो अब आपके साथ आगे ही मिलते हैं रास्ते में ही। ओ, आते आते मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैंने का आराम पहुंच चुकी हूँ उनके स्कूल में, और यहाँ का पोषण माह मनाया गया। पोषण महोत्सव, और बच्चों को कुछ इनाम भी मिले इस खुशी में भी बुलाया था सर जी ने। टमाटर मैं देते हो पैगा आयोजित हुआ, उसके लिए हमने वार्ड सदस्य फ्रॉम पंचायत नागूघाट की वार्ड सदस्य कुन्नी वार्ड से श्रीमती कुसुम लता जी को आमंत्रित किया था। तो वो थोड़े समय के लिए हमारे विद्यालय में आए थे, उनके आज आजकल जैसे कि पितृपक्ष भी चल रहा है तो उसमें उनके घर में भी आज श्राद्ध होगा, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए समय निकाल पाए थे। उनके उनके कर कमलों से ही इनको वितरित किए गए। तो उसके छायाचित्र आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा बच्चों से कि वो अपनी अपनी प्रस्तुतियों के लिए तैयार रहें। हम सूक्ष्म सा कार्यक्रम अभी आयोजित करने जा रहे हैं, तो जी जिसको जैसे जैसे बुलाया जाए वो एकदम से अपनी प्रस्तुति दे बढ़िया तरीके से। अगर मान लो कि आपके सामने आपको लगता है कि मेरा उनके सामने या जो अभी कार्यक्रम हुआ उनके सामने कुछ हल्की प्रस्तुति रह गई अभी जोश खरोश के साथ,
उस प्रस्तुति को पूरा करें। सबसे पहले इस बार कोमल असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब क्या
क्या कमी है देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए भी नहीं चल जाए हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। अपना नहीं मुंह पिसकाया, मुंह क्या क्या मुंह क्या के आप बोलना ऐसा पुलानी बोलो बोलो आया लाला जी की रेडम मुंह से हाय 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 फॉर माय मास्टर वन फॉर जे वन फॉर द लिटिल बॉय लिटिल ले सूरज अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी ये, अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी ये, दुबली इतनी तुम किया करी हुई ये, दुबली इतनी तुम किया करी हुई ये। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बच्चों की स्कूल में ली और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घास काटने। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ घास और मम्मी और देखो फोटो खींच चले गए थे घर। कल्पना और मीनाक्षी यहाँ पे रुकी थी क्योंकि यहाँ पे है चील का घना जंगल और जानवरों का डर रहता है। तो मैंने सोचा आओ घर में जाके कब घास काटूँगी। तो यहाँ पे मैंने जाते जाते दराटी और रस्सी छोड़ रखी थी तो अभी मैं काट रही हूँ यहाँ पे घास और बच्चे खेल रहे हैं आपस में। हेलो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। तो मम्मा काट रहे हैं अभी घास और हम श्राद्ध को गए थे, हमारे गांव में श्राद्ध था तो हम मतलब स्कूल से आके ही श्राद्ध को चले गए थे और मैं भी फ्रेंड्स और कल्पना के स्कूल में गई थी, फिर वहाँ से श्राद्ध की वीडियो नहीं बनाई हमने। और हम स्कूल से मतलब हम स्कूल से आके ही श्राद्ध को चले गए थे। अभी हम मम्मा घास काट रही हैं, कल्पना और प्रियांश भी गए थे श्राद्ध को, भारती जी गई थी। दीदी बोल रही भाई वीडियो बनाने करंट लग रहा हम 15% रही बैटरी वी लाइट वाली ने माखी देखी थी बस वाले प्रिया